सब्जियां कच्ची खानी चाहिए यार। पता नहीं लोग क्यों कुकिंग करके पका के उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम कर दे रहे हैं यार। कंफ्यूजन, कैसे करूंगी कुकिंग, कभी किचन में घुसने की जरूरत ही ना पड़ी। बीनर बनना है तो कुकिंग कहां से? नो थैंक्स। ओ बिल्लू, तो मैडम आज मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि भैया तो आपको पता नहीं कैसा खाना बनाना सिखाए। एक्सक्यूज मी, उस पटाखा को खाना बनाना मैंने सिखाया है, उसका पति मुझे ढूंढ रहा है पीटने को। तो मैडम कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले मैं आपको गट्टे की सब्जी बनाना सिखाता हूँ। एक मिनट, तू मन्ने खाना बनाना सिखाएगा? तैने तो बैंगन और जो है देसी टमाटर में फर्क ना दिखे था। नहीं मैडम, वो मुझे गट्टे की सब्जी अच्छे से आती है बनानी। अगर आपको किचन का बादशाह कॉम्पिटिशन में जाना है तो आपको खाना बनाना तो सीखना पड़ेगा ना। वाओ, न्यूज टू मी। तो मैडम आज से मैं आपका गुरु हूँ, सबसे पहले मुझे नमस्कार कीजिए। नमस्कार। तो मैडम जैसा कि आप देख रही हैं कि बेसन मैंने पहले ही गूंद के रख दिया है। एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम, आपने मुझे बुलाया सितंबर के महीने में, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता? देखो भाई, ऐसा है कि तुम्हारा जो जो प्रोग्राम्स है ना, के नाम है उसका किचन का बादशाह, उसका तो जो विनर होगा उसका किडनैप होना निश्चित से। इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि विनर मैं बनूंगी ताकि मारा किडनैप हो जाए। ये क्या बात कर रही हैं आप मैडम? सही बात कर रही हूँ, और इस काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए हमको। आप मुझ पर प्रेशर मत डालिए, क्योंकि पहले से मुझ पर बहुत प्रेशर है। अरे कौन डाल रहा थारे पे प्रेशर? वो बतरा ना, क्या प्रॉब्लम क्या है उसकी? जी मैडम, ये जो बतरा है ना, इसका एक साला है जो किसी काम का नहीं है, और बतरा चाहता है कि विनर वो हो जाए ताकि उसके नाम से वो एक रेस्टोरेंट खोले और खूब पैसे कमाए सितंबर के महीने में। ऑर्गेनाइजर बतरा का साला। जी मैडम, बस मुझे इसी बात का डर है कि कहीं मजबूर होकर मुझे उनके साले को विनर घोषित ना करना पड़ जाए, क्योंकि बाकी के जो दो कंटेस्टेंट है वो उससे भी बेटर कुक है। ऐसे में मैडम आपकी एंट्री कैसे हो सकती है? वाह वाह, डिलीशियस। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी कारण बस बतरा का साला कंपटीशन में फाइनल में बैठ ही ना पाए तो? Yes. तो हमारी एंट्री हो सके? हाँ, ऐसे हाल में क्योंकि प्रोग्राम का जज मैं हूँ, आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री से ला सकता हूँ मैं। बस तो फिर क्या बात है, तो फिर तेरा बतरा का साला फाइनल्स में ना बैठ पाएगा। Excuse me. Will you please help me out? मेरी गाड़ी अचानक से खराब हो गई है, मुझे घर जाने है। हाँ कोई बात नहीं, आप है ना बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ना आपको बिल्कुल छोड़ दूंगा कपड़े की अलमारी में। मुझे घर जाने, कपड़े की अलमारी में नहीं जाने। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आप आइए बैठिए, प्लीज आ जाइए। ओके थैंक यू। आइए आइए। अच्छी करारी जवानी को आ रही हूं, मीठी सुपारी में हैदराबाद। ये क्या हो गया आपको कपड़े की अलमारी में? घबराइए मत, मुझे बचपन से ऐसी दौड़े पड़ती हैं। मेरा हाथ जरा पकड़ के सीधा करेंगे तुम्हें ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ कपड़े की अलमारी में। बचाओ, ये मुझे गुंडा छेड़ रहा है, बचाओ, help me। Don't worry, आ गया है गोपी इसदा, जिसने पहनी है कानून की टोपी इसदा। लड़की को छेड़ता है, चल उन्हें। Come on, start कर लो। I will drive the bike. Come on, come see. आपको आते चलाने पीछे। I will. पीछे। संभाल के पहले गिर नीचे। आप पीछे बैठ जाओ। सो बोलता है।
ओ बिल्लू, आज किसको फोन करूं? सुमन को करता हूं, इसके 6 भाई हैं। सुमन, ए भेंगे, सुमन को बुला, बोल प्रेम का फोन है। नॉटी कॉल। चकना नहीं उठा रहा हूँ भैया, मैं तो उठाते ही नहीं हूँ फोन। आपने एक बार मना किया है, उसके बाद से मैं फोन की तरफ देखता भी नहीं हूँ। इम्पोर्टेड फोन हो सकता है ना। Hi, Gopes inside. अबे ओ प्रेम, तेरा फोटो फ्रेम दीवार पे लगा दूंगा, एक एक हड्डी को 10-10 बार तोड़ूंगा। आज के बाद अगर तूने फोन किया ना तो गधे की तरह पीटूंगा तुझे। एक बार तू सामने आ जा, खाल उधेड़ दूंगा तेरी मैं। अच्छा, ओके, थैंक्स ब्रो। या सी यू। या ब्रो, या नहीं नहीं, एहसान की क्या बात है इसमें यार। रख फोन। ओके। किसका फोन था भैया? पर्सनल फोन था यार, जाओ अपना काम करो यार। हर चीज के बारे में पूछते, तुम हंस रहे हो? नहीं मैं हंस तो रहे हो तुम, ज्यादा हंसना नहीं मेरे सामने यार। अब देख, नहीं हंसना। ओहो छेड़ू जेल में, और छेड़ेगा छोरियां। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग है ना सही नहीं कर रहे हो। मेरे जीजू है ना बहुत पहुंच वाले है। हाय। वो है ना बस अभी आते होंगे कपड़े की अलमारी में। अबे कपड़े मठोस के फेंक दूंगी बाहर, और तेने झाड़ के टांग दूंगी हैंगर पे अलमारी में। जो कतई ज्यादा इन द क्लोजेट हो रहा तो। हाँ भाई, व्हाट्स न्यू? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए लड़कियां छेड़ते। तेने आई है कभी शर्म? Well, you know what is शर्म? चप्पलू, क्या हो गया मेरे चप्पलू को? चप्पलू, चप्पलू, अरे तू ठीक तो है ना? अरे ये क्या हालत हो गई तेरी? अरे मैं बेहोशी की बाउंड्री पर हूँ। 3 पार्टिसिपेट में से एक गायब हो गया तो फाइनल का क्या होगा? मैं बेहोशी की बाउंड्री पर हूँ। हाँ देखिए ऑर्गेनाइजर साहब, एक आइडिया है मेरे पास। एक लड़की को मैं जानता हूँ जो पहले मेरी स्टूडेंट थी और बहुत कमाल की कुक है। आप कहें तो मैं उसे वाइल्ड कार्ड एंट्री देके फाइनल के लिए बुला सकता हूँ, और शूटिंग हो जाएगी हमारी सितंबर के महीने में। तो ठीक है, अपन चलते हैं, बहुत सारे काम करने हैं। मैं बेहोशी की बाउंड्री पर हूँ। मैडम का हाथ फिर उठ रहा है। चपलू तू चिंता मत करना, मैं तुझे 1-2 दिन में छुड़वा दूंगा, मैं तेरी जमानत करवा दूंगा, चिंता मत करना है। जीजू, जीजू, ये होगी मारी वाइल्ड कार्ड एंट्री। लेकिन मैडम आप वहां जाके बनाएंगे क्या? एक मिनट, ज्यादा है मन्ने टेकन फॉर ग्रांटेड की जरूरत नहीं है, हल्के में मत लो। मैं काफी होमली भी हूँ। यस, मैंने कुकिंग की बुक लाई है। yeah. रेसिपीज इब देखना, मारी कुकिंग का जलवा। ओके। भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, क्योंकि हमारी फर्स्ट कुकिंग डिश इब बन के रेडी है, रेडी टू टेस्ट। मैडम तभी मैं कहूँ कि इतनी कमाल की खुशबू कहाँ से आ रही है। मैडम मैं कहता हूँ ये बहुत ही जबरदस्त डिश बनी होगी। वेल, लगता है इसको खाकर हम कभी नहीं पाएंगे भूल इज द। मैं हूँ सुपर डूड, सुपर कूल इज द। प्लीज यार
हमारी सब्जी के सामने इस तरह की बात ना कर, कहीं खराब ना हो जाए, हैं प्लीज। नो नो, तो रेडी ठीक है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे दोनों प्यारे प्रिय बालक हैं ज्वेल्स ऑफ ईमान चौकी सर मिलेगा यार फैशंस। तो ज्वेल्स ऑफ ईमान चौकी योर डिश पहले चखे और मन ने बताएं कि कैसी बनी। ओके ओके मैम ओके। एक मिनट। हेलो सर। हेलो, वो क्या है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए आपके हाथों की बनी हुई डिश सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा। इट्स एन ऑनर सर। थैंक यू सर। मैं आप तीनों को एक साथ डिश टेस्ट कराती हूँ, भर के पेट भर के खाइए, लेकिन ऑनेस्ट ओपिनियन बताइएगा कि कैसी बनी है। डेफिनेटली या श्योर इज द, क्या इसमें डाला है घी? प्योर इज द। अरे बाहर भैंस खड़ी है, डायरेक्ट घी डाला है, डोंट वरी। माय गॉड, सो आर यू रेडी? ओके, यो हमारी पहली डिश लाइफ टाइम की। हलवाई अपने पकवान खुद कहां खा पा रहे हैं ना। तो सर पहले आपका। थैंक यू। बिल्स यो थारा, गोपड़ू यो थारा। मैं घनी खुश। पहले सर टेस्ट करेंगे प्लीज। कैसी है सर? फू फू मेरी चे। सर आई एम वेटिंग सर। वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस, वेरी डिलीशियस। अब मैं करता हूं। हाँ तू खा। आया कभी ऐसा? मिर्चे कसियस। अरे बता यार। अरे बोलना कैसी बनी है? अरे बोलता क्यों नहीं? अबे बता ना गोपी। अरे बोलता क्यों नहीं, कैसी बनी है? गुड, वेरी गुड। मैं तो यही खड़ा होकर चप चप करके खाऊंगा। मैडम आप खा लो। मैं खा खा। लगता है घी की जगह पेट्रोल डाल दिया है। जबरदस्त बनी मैडम। मन ने पता लग गया कैसी बनी है। मैं इतनी बुरी कुक हूं, मैं कैसे जीतूंगी कंपटीशन? आइए आइए। तो कंपटीशन बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवा दूं एक दूसरे के साथ, और ये बता दूं कि कौन कौन क्या क्या डिश बनाने वाला है सितंबर के महीने में। वाह वाह, ए डिलीशियस। ये हैं बनारस से आए बनारसी दाल के एक्सपर्ट मिस्टर गुल्लू मिश्रा। अरे ये कॉम्पिटिशन हम ही जीतेंगे। अरे जैसी दाल हम बनाते हैं ना, वैसी कोई नहीं बनाता दाल बनारस से लेके नैनीताल। वो तो है। और ये जो साथ में है, ये है मिस्टर चमन पटेल फ्रॉम गुजरात। ये बनाएंगे ढोकला। मैं हूँ चमन पटेल, यूज करता हूँ कम तेल। ये है मिस जसपिंदर कौर फ्रॉम पंजाब। ये बनाएंगी बटर पनीर सितंबर के महीने में। वाह वाह, डिलीशियस। ओ पाजी, ओ सस्रे गाल पाजी, की हाल थोड़ा?
मैं तो बनाऊंगी बटर पनीर। ओहो जैसे रांझणाल हीर। पनीर ढोकले से कैसे जीतेगा वो? ओ पाजी हाँ जी ए मैं थल्ले आओ थल्ले हाँ जी हीरिंग ना स्मार्ट नहीं बनियो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज दे सरो ना वाहेगुरु जी का हाथ ना ओदे सामने कोई टिक नहीं बंद है। हाँ और अभी पता लग जाएगी थोड़ी देर में कंपटीशन कौन जीतता है। आए बड़े तो ठीक है मैं चलता हूँ अंदर। आप लोग रेडी? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलो अच्छा चलो उसकी शक्ल कैसी थी? अरे यार कमाल बात कर रहे हो तुम है? अरे हम जो है इतने ऊंचे पर चढ़े हुए थे अब ऊपर से हमने जो है उसका हाइट देखा उसकी सूरत नहीं। गोपी तू और बिल्लू स्टूडियो के बाहर ही है ना? तो तुम हो वो जो इस कंपटीशन के विनर को किडनैप करना चाहते थे? मेरे पिताजी ने मेरा नाम रख दिया कार्ड कुमार। डैडी पेंट में अंकल टेंट में। ओह माय गॉड यू इज द तूने किया ये क्यों इज द क्या? नहीं नहीं देखिए आप लोगों की कोई गलत फहमी हो रही है। मैं कोई किडनैपर बिडनैपर नहीं हूँ। मैंने किसी का किडनैप नहीं किया है नहीं करने का कोई इरादा है। डैडी पेंट में अंकल टेंट में। फिर तुम ऐसे छिपते छिपाते क्यों आ रहे थे? अरे वो तो दादाजी है यहाँ सुना है कि ये कंपटीशन में ना जो भी विनर होएगा ना जिसको प्राइज मिलेगा ना उसका जो खाना होगा ना वो ऑडियंस को खाने के लिए दिया जाने वाला है। और आप लोगों को तो पता है कि मैं कितना स्वादिष्ट खाने का शौकीन हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आया था छिपते छिपाते डैडी पेंट में अंकल टेंट में। अगर तुम किडनैपर नहीं हो तो फिर किडनैपर कौन है? कहाँ है? चलो 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 खाने को चले बहुत बहुत खाने का शौक है। तो भाई और बहनों किचन का बादशाह कंपटीशन का फाइनल हो चुका है और मैंने तीनों पार्टिसिपेंट्स की डिशेस भी टेस्ट कर लिए हैं सितंबर के महीने में और मैं इस नतीजे पर भी पहुंच चुका हूं कि कौन आया है नंबर वन कौन नंबर टू और कौन नंबर थ्री। वाह वाह डिलीशियस। तो ऑर्गेनाइजर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अनाउंस कर दूं। इजाजत है। थैंक यू। तो नंबर थ्री पर है गुजरात के चमन पटेल। थैंक यू। नंबर दो पर है मिस्टर गुल्लू मिश्रा। और नंबर वन पर है जसपिंदर कौर। सितंबर के महीने में वो एक ही हुआ प्लेटफॉर्म के नीचे कटा। हैंड्स अप। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.